हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं तेज पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को इसे वीडियो के नीचे दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक रेड सब्सक्राइब का बटन और एक आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। तो अभी जाइए, आप उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे कि किसी भी काम और किसी भी कार्य को करते समय, यानी अपने जीवन में किसी भी काम को करते हैं, मतलब खासतौर पर जब आगे बहुत जब किसी मतलब बड़े लेवल पर होते हैं, मतलब तो उस काम को करने से पहले हमेशा अपने अपने आप को चेक कर लें, हमेशा अपनी जांच कर लें, मतलब कि मतलब वो सही से हुआ है या नहीं। मतलब कहने मतलब जो सही सही बात करें, तो किसी भी काम को अपने जीवन में करने से पहले हमेशा उसकी जांच कर लें, उसको फिनिश करते हैं से पहले। हाँ, क्योंकि फिनिश कर लिया तो फिर आगे कुछ कर सकते हैं। तो फिनिश करने से पहले, जब वो एक रॉ मटेरियल के रूप में पड़ा हुआ है, या जब भी किसी काम करते हैं, तो मतलब उसको जांच लिया कर रहे हैं, मतलब पूरा कंप्लीट करने से पहले उसको आप अच्छे से जांच कर लें, मतलब उसको अच्छे से चेक कर लें कि सही से हुआ है कि नहीं। इस चीज के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मतलब जैसे आजकल के समय में, मतलब दुनिया के अंदर, चाहे वो रिच फैमिली हो, सिंपल फैमिली हो, मीडियम क्लास फैमिली हो, जब कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब तो वो जब किसी फैमिली में पैदा होता है, तो 1 से 3 साल तक की जो एज वो बच्चा पैदा होता है, 1 से 3 साल तक उस बच्चे को मतलब क्योंकि बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, खा पी नहीं पाता है, तो उसको फिर 1 से 3 साल तक उसको चलना फिरना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है कि उसके वर्ड्स वगैरह क्लियर निकले और दांत वगैरह नहीं होता, धीरे धीरे दांत निकलने लगते हैं, तो उसको चीजों को खिलाया जाता है, मतलब तो 2-3 चीजें वो करना सीख रहता है, और 3 मतलब करना सीखता है कहने में 3 साल तक। जैसे 3 साल वो क्रॉस करता है, उसको बोलने बोलने लगता है, उसके वर्ड्स भी क्लियर होते हैं, चलने भी लगता है, मतलब और अच्छे से चीजों को खाने भी लगता है। देन उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे हमारे भारत से देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल होता है पहले से लेकर प्राइमरी तक, फिर होता है 6वीं से लेकर 12वीं तक या 10th तक, सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल होता है। उसके अलावा जो दूसरे होते हैं प्राइवेट स्कूल, वो नर्सरी से स्टार्ट होते हैं, फिर नर्सरी KG LKG UKG फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद आगे की मतलब 12th तक होता है, फिर 3 साल का कॉलेज भी होता है जिसको ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, बाद में फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है जिसको हम मास्टर डिग्री बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब आगे की पढ़ाई होती है। तो कहने का मतलब, उस बच्चे को नर्सरी में डाल दिया रहता है, तो नर्सरी में डालने के बाद जो उस बच्चे की 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, मतलब वो बचपने वाली होती है, मतलब तो इस एज में क्या होता है, जो बच्चा होता है, उसके जो हम उम्र के बंदे बच्चे होते हैं, चाहे ऐसी क्लास में हो या गली में हो या स्कूल में हो, मतलब वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ ही फ्रेंडशिप वगैरह सीखता है, उनसे भी उनके साथ ही खेलता कूदता रहता है, मतलब और वो खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। कई बार उसको चोट भी लगती है हमारे खेलते कूदने में, बट वापस थोड़े टाइम के लिए दुखी होता है या रोता है, वापस वो हैप्पी होकर वापस खेलना कूदना शुरू कर देता है। कपड़े वगैरह भी गंदे होते हैं, मतलब लेकिन उसको कोई परवाह नहीं होती, वो सिर्फ खेलता कूदता है, ये कहने वाला, और हम उनके और बच्चों के साथ रहता है जो कि गली में होते हैं। लेकिन जब वो 13 साल की एज क्रॉस करता है, तो उसकी बचपना की एज खत्म हो जाती है, और 14 साल से मतलब 14 ईयर से फिर वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, कहने वाला कि नहीं, मुझे कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे टाइम पर स्टडी करना चाहिए, मुझे अच्छा मतलब अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है, कपड़े गंदे करूंगा तो मम्मी मारेगी, टीचर मारेंगे, मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, मतलब उन चीज़ों को वो समझना शुरू कर देता है। और कई सारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, मतलब तो उतना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में, मतलब वो उतना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते हैं, मतलब क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, और जो इंटेलिजेंट होता है वो उन चीज़ों के बारे में इस तरीके से सोचने लगते हैं। तो कहने के मतलब, फिर आगे जाके वो ये भी देखता है कि मतलब उसके जब वो 12th में पढ़ता है या कॉलेज में जाता है, वो देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, नाना थे या नानी दादाजी थे, उन्होंने अपने जीवन काल में मतलब कहीं ना कहीं फील्ड में अपना करियर बना के आगे पूरी लाइफ निकाल दिया, फिर रिटायर हो गए। उसके बाद उनके करंट फादर भी, उन्होंने भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के करंटली वो जॉब कर रहे हैं, हमारे घर को संभाल रहे हैं और देख रेख कर रहे हैं। तो आगे आकर उसको भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, कहने मतलब।
तो जैसा कि आजकल के टाइम में, मतलब आजकल के समय बहुत सारे हमारे पास क्या बोलते हैं, करियर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, लेक्चर हो गया, टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया, कई लोग बॉडी अच्छी होती है तो आर्मी में चले जाते हैं, कई लोग जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड ही बन जाते हैं। उसके अलावा दूसरी जो बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं, मतलब तो एक्टिंग का सीख के डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं विदेशों में जाकर। तो कहने का मतलब आजकल अब फील्ड के जो ऑप्शन है, करियर के ऑप्शन बहुत सारे हमारे सामने अवेलेबल है। तो आपको भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाना ही है, मतलब वो बच्चा मतलब सोचना ही है, मतलब तो कहने मतलब अगर आप वाकई में पहले तो अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको किस फील्ड में करियर बनाना है न, तो अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी ना किसी अपने इंटरेस्ट या अपने जो जिसमें आपका दिल लगता हो, मन करता हो, उसको चूज कर लीजिए। मतलब और जब उसको चूज कर लेते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट का एरिया है, मतलब इसमें आप चाहे सिंगिंग हो या डांसिंग या दूसरे कोई भी फील्ड हो, मतलब तो जब उसकी तैयारी करते हो, मतलब क्योंकि ये चीजें ऐसी है, मतलब जो रातों रात कोई भी चीज हम अचीव नहीं कर सकते, उसमें हमें परफेक्शन लाने में टाइम लगता है। कहने मतलब तो कहने मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब आप उस चीज की तैयारी कर रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो, मतलब तो जैसे बोलते हैं ना कि सिंगिंग में कई सारी चीजें होती है, जैसे मैं सिंगिंग थी सीख रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो रागे होती है, अलंकारें होती हैं, आकारें होती हैं, सरगम होती हैं, मतलब तो कहीं भी हम जब अपना प्रैक्टिस करके सुनाने जाते हैं किसी को भी, तो हमें गले की ओर चेक करते हैं कि हमारा सुर बैठा हुआ है कि नहीं, हम सही से सरगम लगा पा रहे हैं कि नहीं, सही से आकारों को लगा पा रहे हैं कि नहीं। कहने का मतलब हम अपने जैसे मैं अपने आपको पहले चेक कर लेता हूँ, मतलब चेक करने के बाद उसको अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे मैं सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ, या कहीं पे मेरा सुर नहीं लग रहा है, उसको लगाने की कोशिश करता हूँ, फिर जाके मैं अपना आगे रख के उसको मतलब टीचर को सुनाता हूँ या बताता हूँ। इस तरीके से डांस के जो मतलब डांस सीखते हैं, मतलब डांस में जो तो स्टेप्स होते हैं वो नंबर्स पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 नंबर्स पे स्टेप बैठते हैं। मतलब तो आपको परफॉर्मेंस देना है डांस का, है ना, तो पहले आप डायरेक्ट प्रैक्टिस ना करते हुए, डायरेक्ट अपने आपको बिना चेक किए हुए डायरेक्ट परफॉर्मेंस देने से अच्छा है कि पहले अपने आपको चेक कर ले कि आप उन स्टेप्स को अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। तो कहने मतलब कोई भी, और फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी बड़ी क्लास में हो, मतलब किसी अच्छे बड़े चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, मतलब फोटोग्राफी में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कैमरे के अंदर जैसे आप कहीं शूट करने जाते हो तो शूट में से कैमरा लेकर पहुंच जाने से मतलब नहीं होता, इसमें कई सारी सीट चीज़ों को कैमरे के अंदर सेट करना होता है, जैसे एपर्चर हो गया, वाइड बैलेंस हो गया, शटर स्पीड हो गया, और ISO हो गया, इन सबको सेटिंग करनी होती है इनडोर, मतलब किसी हॉल के अंदर है या आउटडोर पे, तो आउटडोर इंडोर के हिसाब से की सेटिंग करनी होती है। कहने का मतलब यही है कि मतलब आप किसी भी काम की तैयारी कर रहे हो या जिस भी आप फील्ड में करियर बनाना चाहते हो उसकी आप तैयारी कर रहे हो, मतलब तो उस काम को करते वक्त और कहीं पे अगर आप शिफ्ट को प्रेजेंट करना है या कहीं पर उसको प्रेजेंट करके दिखाना है या बताना है या सुनाना है या परफॉर्मेंस ही क्यों ना देना है, तो उसको करने से पहले उस तरीके कुछ भी करने से पहले ना, पहले अपने आप को जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं उस चीज़ की आप चेकिंग कर लो, मतलब कि मैं उसको सही से प्रिपेयर कर पाया हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट उसको प्रेजेंट कर दिया और वहां पे जो गलती हो गई, तो बोलते हैं उस गलती के बाद मतलब आप कोई बड़े बड़े जज वगैरह आकर चेक कर ले कि नहीं इस बंदे परफेक्शन तो है ही नहीं, तो फिर आप अपने अपना अपने आप को रीचेक किया या नहीं, चेकिंग किए नहीं, जांच किए नहीं, मतलब अपने आप की कि आप उस काम में परफेक्ट हो गए नहीं, या आपने आपने उस काम के अच्छे से प्रैक्टिस की है कि नहीं, तो आपने अपने आप में खुद की सेल्फ चेकिंग नहीं की, मतलब और आप डायरेक्ट प्रेजेंट करने लगे उस चीज़ को, तो अगर वहाँ पे कोई एरर निकला फिर आपको दोबारा मौका हो सकता है नहीं मिले, कई बड़े बड़े जगहों पर जैसे जो बड़े बड़े रियलिटी शोज होते हैं डांस के, सिंगिंग के, मतलब तो वहाँ पे पूरे बंदे प्रिपेयर होकर अच्छे से उन चीज़ों को प्रैक्टिस करके सेल्फ चेकिंग करके जाते हैं, ताकि वहाँ पे कोई गलती ना हो, क्योंकि आप बिफोर चेकिंग मतलब करने से पहले अगर अपने खुद की बिफोर चेकिंग कर लेंगे, मतलब तो पता रहेगा हमारी क्या कमियां हैं, क्या किस जगह पे हम कमजोर हैं, कहाँ हमारा अच्छा पॉइंट है, मतलब उस तरीके से हम पूरा अपने आप को वेल प्रिपेयर कर लेंगे। मतलब तो कहने का मतलब यही है कि इस वीडियो के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी भी चीज की तैयारी क्यों ना कर रहे हो और उसको करने और उस तैयारी करते हुए जब आप अगर आपको उस चीज़ का प्रेजेंटेशन देना है, कहीं पर शो करना है, परफॉर्मेंस देना है ना, सुनाना है, बताना है, तो अपने आप को एक बार सेल्फ चेकिंग जरूर कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने परसेंट ओके हो, कितने परसेंट ओके नहीं हो, या कौन कौन सा आपका भी वीक पॉइंट रहेगा और कौन कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो जो आपके वीक पॉइंट होंगे उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनको और बेटर बनाओ। तो सेल्फ चेकिंग करने से कई सारे फायदे होते हैं कि आप अपने बारे में रियलिटी चेक कर पाते हो कि आप कितने परसेंट ओके हो, कितने परसेंट नहीं हो, मतलब तो हमेशा अपनी सेल्फ चेकिंग जरूर करें, अपने अपना हमेशा
अपने खुद की मतलब चेक, अपना जो भी काम करने से पहले अपना खुद की चेकिंग जरूर करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा, जो ऑलरेडी आपको इस वीडियो के बता चुका हूँ। तो कैसा लगा आप मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स।